क्या मोटिवेट करोगे यहाँ से जाने के बाद? समाज को कैसे मोटिवेट करोगे बताओ? अरे बहन जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे? बहन जी को वोट देके, बहन जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे जब आप यहाँ नहीं बोल पा रहे? भीड़ में कैसे बोलोगे? वोट देके बनाएंगे। कितने साल के हो? आपकी वोट है? फिर कैसे वोट दोगे? बहन जी का भाषण सुना, क्या समझ में आया? क्या क्या कही? सब कुछ समझ में आ गया जो बहन जी ने कहा है कि मुझे सत्ता में लाओ, मैं आपको वो हक अधिकार वापिस ला दूंगी लाके, जो पहले हक अधिकार आपको मिले हुए थे। हमें बहन जी को सत्ता में लाना है अपने हक अधिकारों के लिए। खासकर महिलाओं से चर्चा करेंगे, बहन जी को सत्ता में लाना है। रुकिए रुकिए बेटा, इधर रुको, इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर भाग क्यों रहे हो? कहाँ से आए हैं आप लोग? नोएडा। नोएडा से आए हैं आप? सब नोएडा से? आज बहन जी का पूरा भाषण सुना, क्या समझ में आया वो बताइए मुझे? क्या मोटिवेट करोगे यहाँ से जाने के बाद? समाज को कैसे मोटिवेट करोगे बताओ? अरे बहन जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे? बहन जी को वोट देके, बहन जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे जब आप यहाँ नहीं बोल पा रहे? भीड़ में कैसे बोलोगे? वोट देके बनाएंगे। कितने साल के हो? आपकी वोट है? फिर कैसे वोट दोगी? आज बहन जी भाषण देके गई है, वक्तव्य आपने सुना, क्या समझ आया? वक्तव्य बहुत अच्छा है बहन जी का। बहन जी ने किसान मजदूरों के लिए काम किया जी, बहन जी ने स्कूलों के लिए काम किया जी, बहन जी ने सभी धर्म गुरुओं के लिए काम किया। इस बात का प्रचार नहीं हो पाता बंते जी? देखिए प्रचार हम लोग नहीं करते तो यहाँ नहीं आते। मैं बुद्ध का प्रचार शांति प्रिय धर्म है, इसीलिए हर मीटिंग में बहन जी जहाँ पर भी आती हैं वहाँ मैं जाता हूँ। आप लोगों को साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद। बहन जी को सरकार में वोट दे करके बहन जी को सरकार में लाएंगे। परसेंटेज तो आपका डाउन होता जा रहा है। परसेंटेज कौन कह रहा है? आपका देखना परसेंटेज डाउन होगा है जाएगा, ये परसेंटेज अब देखना भाई साहब। और बताइए जी। जी एक तरफा है बहन जी, एक तरफा है, जीत एक तरफा जीत होगी, एक तरफा फुल भवन फुल। बीजेपी कह रही 400 पार, बीएसपी 450 पार। ये 2024 का चुनाव है, 2024 का जी जी बच्चा अपनी जान लगा देगा। 2024 का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कुमारी मायावती जिंदाबाद। नीला फटका पहनकर महिलाएं घूम रही हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। कैसे बनाएंगे बहन जी को प्रधानमंत्री भाई? वोट तो आप देती है, समाज तो वोट देता ही है बहन जी को। वो तो गड़बड़ हो जाती है मशीनों नहीं तो बहन जी कभी सत्ता में आ जाए। मशीन का विरोध तो कोई कर नहीं रहा जिसको मुख्यमंत्री बना प्रधानमंत्री बना। तो जंतर मंतर पे बहुत बड़ा विरोध है, लेकिन कान पे तो जू नहीं रहेंगे। सरकार है ना, जू क्या इनके ना, वो कछुए भी रेंगने लग जाएंगे जब ये जनता 2 अप्रैल की तरह रोड पे आ जाएगी। 2 अप्रैल की तरह सड़क पे आओगे सुमन जी? बिल्कुल आएंगे तैयारी। बहन जी कह रही है कि अब चुनाव खत्म हो रहा है लेकिन ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा। ईवीएम का विरोध हो रहा है, जनता ये मीडिया जो है दिखाती नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। विरोध तो हो रहा है लेकिन चुनाव आयोग नहीं, बिल्कुल टस्सेमस हो रहा है भाई। आप लोगों के कब्जे में नहीं आ पा रहा है वो? हमारे कब्जे में आएगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ रहा है हम लोगों को, आएगा हमारे कब्जे। तो इस बार तो चुनाव ईवीएम से हो रहा है? ईवीएम से हो रहा है लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं तो बहन जी तभी तो रह जाती है, नहीं तो लेटर पैड से करे तो कब की बन जाए बहन जी सरकार हमारी आ जाए। बैलेट पेपर से आज बैलेट पेपर से यदि चुनाव होता है तो आज ये इनकी सारी सत्ता नीचे आ जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव की बात चल रही है, ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा कोई भी? ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी तो सही होगा, बहन जी आप आएंगी? चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा है, वो तो करा ईवीएम से करेंगे हम तो। अरे कार्यकर्ता निकलेंगे फिर क्या करेंगे? ईवीएम फोड़ेंगे आप? हाँ और क्या, ईवीएम फोड़नी पड़ेगी। हाँ और क्या, हिंसा करोगे? हम तो नहीं, हम तो जमीनों पे उतर कर आएंगे, काम करेंगे। अगर हमारे हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट माने, हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई, माने हमारी बात मानी जाए। हाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो। पूरा भाषण सुना आप लोगों ने बहन जी का, क्या समझ में आया है? आम भाषा में अगर क्षेत्रीय जनता को समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे? ये कि
हमारी जो पार्टी है बीएसपी वो सर्व समाज को लेकर चलेगी, साथ में लेकर चलेगी, भुखमरी को दूर करेगी, बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेगी और हर इंसान को, सबसे बड़ी बात है, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक मिनट मैं वो बोल सकूं ना? हाँ जी, बोलो जी, बोलो क्या भैया। शिक्षा पर तो जब ध्यान दिया जाएगा, जब एडमिशन में फ्री थे हम, बहन जी की सरकार, अब तो 1-1 लाख रुपया भरना पड़ रहा और बच्चे फाइनल में भी फाइनल में वैसे निकालते हैं। कमी किसकी है? जो बीजेपी सरकार है, कमी तो सारी हमारे सब लोग वोट हम लोग बाग उन्हें दे रहे। सरकार बनाई थी ना सरकार, 370 बोला 1 लाख। अपने मंदिर से ज्यादा बड़ा मंदिर ना कहीं भी दुनिया में घूम लो, चाहे तीर्थ घूम लो, समझे? नहीं तो सरकार तो आपने बनाई थी ना, सरकार हमने वे राक्षस पैदा है। एक बार बनाई तो बनाई, दोबारा फिर बना दी है नहीं, और तीसरी बार फिर बनाओगे? भैया हम तो बिना, हम तो यू चाहूंगा मोदी कल के बजाय अब उतर जा। हाँ जी, बद्दुआ दे रहे, बद्दुआ बद्दुआ, जेल जाओगे? जेल तैयार हूँ। राष्ट्रद्रोह का लगेगा कुछ बचा? 370 चाहे कितनी धारा लगा कर भेज दो, एनएसए लग जाएगी, एनएसए कुछ भी लगा दो, जेल में पड़ा तो लगभग रोटी तो मिलेगी। झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा डाल लगाऊ मैं उनके बाप का नौकर लग रहा हूँ। जेल में ये हिम्मत कहाँ से आती है बहन जी? ये हिम्मत एकता की और बाबा साहेब से आती है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमको इस काबिल बनाया कि हम बोल सके, अपनी आवाज रख सके, और हमको संविधान में ये अधिकार भी देकर गए। 19 आर्टिकल में हमको अधिकार दिया कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हम तो एक ही चीज चाहते हैं सरकार से कि ये जो चुनाव है ना, ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते। अब की बार ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं, ये बहुत विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वकील हो चाहे आम जनता हो, सब लोगों ने ईवीएम का विरोध किया कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ईवीएम से हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, चाहे सरकार कोई भी आए। उसके लिए तो बाबा साहब रास्ता देंगे ना, आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। तो आंदोलन कर चल रहा है, आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज को कोई मीडिया नहीं दिखाता। वो छोटे से भी 4 लोग भी इकट्ठे होकर बोले तो उनकी आवाज को बड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और हमारे समाज में लाखों हजारों लोग सड़कों पे उतरते हैं तो उनकी रैली को नहीं दिखाया जाता। आप खुद देखो, अगर उनकी रैली को भी या उनकी आवाज को भी दिखाया जाए तो पूरा बहुजन समाज एक हो जाए। लेकिन अभी घर घर में टीवी पहुंचा कर झूठा वादा कर फुसलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और समाज को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। हमको ये नहीं चाहिए, हमको इक्वलिटी चाहिए। हम इस देश में शांति चाहते हैं, इस देश में समाज आपका अब संपन्न हो गया है, प्रबुद्ध हो गया है, फिर भी आप अपनी मीडिया नहीं खड़ा कर पा रहे, अपने लोग नहीं उठा पा रहे। हाँ बिल्कुल, हमारे लोगों में एकता की कमी है जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। हमारे लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे कि महापुरुषों का आंदोलन बहुत मुश्किल से वो यहाँ तक लेकर आए इस कार्रवे को, और हम लोग इनकी बातों में आकर उस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, आ रहे हैं, और एक दिन आएगा जब बुद्ध का भारत होगा, अशोक का भारत होगा और बाबा साहेब का भारत होगा। जी जी जी, आप अपना वोट डालने से पहले सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो मणिपुर में जो हुआ उसको याद रखें, उसको देखें, जो अब तक अत्याचार होते आए उसको देखते हुए जब अपना वोट सभी दें कि अपनी वोट खराब ना करें। महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में खुले आम महिलाओं को नंगा घुमाया गया, वो हमसे हमारी रूहें कांप जाती है वो सुनकर। तो ये हम नहीं चाहते, कि हम चाहते हैं कि सारे लोग जो है महिलाओं का जो बलात्कार लोग कर रहे हैं, मतलब अगर रात को जाओ तो डर लगता है, बस ऐसा ना लगे। ऐसा शासन चाहिए, फिर वो चाहे किसी का भी शासन हो, लेकिन शासन ऐसा होना चाहिए जो सर्व समाज को एक साथ लेकर चले और सुरक्षा ले हो, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के महत्व को समझा जाए, शिक्षा से ही सब कुछ मिलेगा।